हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, किस प्रकार की है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये आपके टॉपिक जो भी आप परीक्षा देंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सभी में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है या इस पर प्रश्न आता है, तो ये टॉपिक आपको पूछा ही जाता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रश्नों की, तो साथ साथ मैं आपको प्रश्न भी बता दूंगी कि कौन सी प्रश्न जो है इस पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो देखिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये तिथि अधिकतर पूछी जाती है। आगे देखें तो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 जो है विशेषकर राजभाषा से संबंधित है, उसका शीर्षक ही, भाग 17 का शीर्षक ही राजभाषा है। और इस भाग में यानी कि भाग 17 में 4 अध्याय है जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित है। अब यहाँ पे राजभाषा से संबंधित कौन सा शीर्षक है, तो देखिए अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है, ये नंबर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और 210 जिनमें संसद एवं विधान मंडलों के भाषा संबंधी विवरण है, ठीक है। तो अनुच्छेद 120(1) और 210 तो उसमें तो भाषा संबंधी बात बताई गई है। तो चलिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 120(1) की। तो संविधान के अनुच्छेद 120(1) में कहा गया है कि संसद में जो भी कार्य होगा वो हिंदी या अंग्रेज़ी में किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेज़ी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यानी कि अगर कोई राजकाज की बात हो रही है कि कोई काम किया जाएगा संसद में, तो वो दो ही भाषा में कर सकता है, या तो हिंदी में या फिर अंग्रेज़ी में। लेकिन अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको इन दोनों ही भाषाओं में नहीं आती, तब उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक है। तो ये भाषा संबंधी हो गया। फिर अनुच्छेद 120(2) इसमें क्या कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो, या अंग्रेजी शब्दों में, शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब संविधान बना था, यानी कि 49 को जो है हमारा ये जो हिंदी स्वीकार कर ली गई थी, और यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे कहा गया है कि 15 वर्षों तक, तो हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 1950 में हुआ था, और 1950 के 15 वर्ष अगर हम जोड़ दें तो क्या हो गया 1965। तो 1965 से जो संसद का कार्य होगा वो हिंदी में होगा, ये बात उसमें कही गई है। चलिए अब अनुच्छेद 210 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 210(1) में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जिसको ये भाषा ना आती हो। तो ये भी भाषा संबंधी वही बात इसमें कही गई है। चलिए अब मुख्य जो राजभाषा संबंधी बात आ जाती है वो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। तो 343 अनुच्छेद क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
इस अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। तो मेन जो चीज़ आपको इसमें देखनी है वो सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है कि अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 हमें बताता है। चलिए आगे अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 344 क्या कहता है, तो इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेज़ी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरा रिपोर्ट उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करेगा। तो यहाँ पे बस ये बात हम याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो है हिंदी के विस्तार पर सुझाव देने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा यानी कि लॉ द्वारा किसी कानून द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। तो मतलब इसमें भी विधानमंडल जो है कानून द्वारा हिंदी भाषा को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की राज्य के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यानी कि एक राज्य जो है दूसरे राज्य से अगर संपर्क साधेगा तो वो राजभाषा जो उस राज्य की होगी वही स्वीकार की जाएगी, या जो राजभाषा देश की है उसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य से संपर्क कर सकेगा। फिर अनुच्छेद 347 का कहता है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति जो है यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। यानी कि जो राजभाषा होगी उसके अतिरिक्त भी अगर कोई भाषा है तो उसको भी स्वीकार किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। कि इसमें कहा गया कि मेन कि जब तक कोई संसद में कोई कानून नहीं बनता है तब तक क्या है अंग्रेज़ी ही इसमें स्वीकार की जाएगी। अनुच्छेद 349 कहता है कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी उसको लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही मंजूरी देगी अन्यथा नहीं। फिर अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इन अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकार की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाने की सुव्यवस्था की जाएगी। फिर अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की यहाँ अगर मैं बात करूँ तो देखिए अनुच्छेद 349 की बात और अनुच्छेद 351
तो अनुच्छेद 349 में मुख्यतः कहा गया है कि हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में होगी और लिपि देवनागरी होगी। वहीं पे यहाँ पे अनुच्छेद 351 जो है वो कहता है कि राजभाषा का संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए। तो यहाँ पे दो मुख्य जो चीज़ यही आ जाती है कि यही दो मुख्य हम कह सकते हैं कि राजभाषा संबंधी जो है, बाकी वैसे अगर आप बाकी चीज़ों को टोल मटोल किया जाए तो अनुच्छेद 343 से 351 तक आ जाता है। ठीक है, अब अगर भाषाओं की बात करें तो संविधान में जो है कि 8वीं अनुसूची में पहले जो थी वह 14 भाषाएं थी, फिर उसमें 21वें संशोधन यानी कि 1968 में जो है इसका 21वां संशोधन हुआ, जिसमें जो है और भाषाएं शामिल की गई, उस सिंधी को शामिल किया गया। सबसे पहले जो इसमें शामिल किया गया वो थी सिंधी भाषा। उसके बाद इसका 71वां संशोधन किया गया 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। इसके बाद इसका 92वां संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली इसको उसमें शामिल किया गया। तो ये तीन हो गए संशोधन जब हुआ था, 21वां संशोधन जिसमें सिंधी जोड़ा गया, 71वां हुआ जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, फिर 92वां संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में जो भाषाएं यानी कि 22 भाषाएं जो है सम्मिलित है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। तो ये कुल 22 भाषाएं हैं। इन पे भी प्रश्न आपसे ये जो है मेन पूछा जाता है वो ये जो 92वां संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत जिन भाषाओं को शामिल किया गया है, इस पर आया था प्रश्न। और जो भी प्रश्न रहेंगे मैं आपको भाषा से संबंधित प्रश्न भी करा दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।